हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फॉसिल की स्मार्ट वॉच में कैसे लोगो लगाओगे। तो आप फॉसिल का लोगो लगा सकते हो अपनी वॉच में, तो आपकी कोई भी वॉच हो आप उसमें लोगो लगा सकते हो, पर वो फॉसिल की वॉच ही होनी चाहिए। मैं आपको उसका कोड बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, तो ये फॉसिल की वॉच है डायमंड वाली, तो ये काफ़ी अच्छी वॉच है। इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसका मेन्यू स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। गाइस एक बार इसकी अनबॉक्सिंग की भी वीडियो देख लेना, और इसमें कॉलिंग, व्हाट्सएप के मैसेजेस आप भी गेट कर सकते हो। इस पर मैंने सब पे वीडियो बनाई है। ये वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप सब देख सकते हो कि इसमें आप कॉलिंग कैसे कर सकते हो, व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे गेट कर सकते हो, कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो आप देखोगे तो इसमें आप वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हो। इसमें कई सारे वॉच फेसेस हैं, आपको बस यहाँ क्लिक करना है तो वॉच फेस चेंज हो जाता है। फिर यहाँ क्लिक करना है तो आप ऐसी वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो इसमें, और इसमें काफ़ी प्रीमियम और अच्छे वॉच फेसेस हैं। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें लोगो कैसे लगाना है वॉच में। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ से वॉच क्लोज होती है और ऑन होती है, और ये डायल से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आपको मेन्यू स्टाइल मिल जाता है। तो मेन्यू स्टाइल में आपको जाना है, और मेन्यू स्टाइल में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि फ़ोन का ऑप्शन है। तो यहाँ फ़ोन के ऑप्शन में आप जाके लोगो लगा सकते हो। तो लोगो लगाने के लिए कोड होता है, बिना कोड के आप लोगो नहीं लगा सकते हो। अब जैसे कि इस वॉच का जो कोड है वो है 5757 5757 5757, तो ये 4 times 5757 5757 है। तो ये कोड है जिससे आप लोगो लगा सकते हो। पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं वॉच को यहाँ भी स्विच ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, तो अभी आप देख रहे हो तो यहाँ मैं वॉच को स्विच ऑफ करूँगा, तो आप देखोगे तो यहाँ भी सिर्फ स्मार्ट वॉच ही लिख के आएगा। यहाँ भी कोई लोगो नहीं आ रहा है फॉसिल का। तो फॉसिल का लोगो का एक कोड होता है, तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं वापस वॉच को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ वापस स्मार्ट वॉच लिख के आ चुका है। तो अब मैं यहाँ वापस मेन्यू में जाऊँगा, और यहाँ से मैं कॉल में जाऊँगा। तो कॉल में जाने के बाद आपको यहाँ फिर से दबाना है 5757 5757 5757। तो यहाँ मैंने 4 बार 5757 दबा दिया है। अब लोगो एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ स्टार हैश का ऑप्शन तो है नहीं, तो वैसे जो दूसरी वॉचेस का लोगो होता है उसमें स्टार हैश होता है, पर इसमें स्टार हैश है ही नहीं। तो आपको यहाँ स्टार हैश की जगह दबाना है 0, यहाँ आपको 01 दबाना है। तो लास्ट में मैंने 01 लगाया, तो 5757 01 ये कोड है। अब मैं जैसे इसको डायल करूँगा तो वॉच ऑफ होगी और फॉसिल का लोगो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फॉसिल का लोगो आ चुका है, और अभी ये लॉक हो चुका है वॉच में। अब आप वॉच को वापस स्विच ऑफ करोगे तो भी यही लोगो आएगा, और अगर मैं वॉच को वापस ऑन करूंगा तो भी यही लोगो आएगा। तो ये लोगो अभी सेट हो चुका है, पर अगर आपको फॉसिल का लोगो नहीं चाहिए और अगर आपको वापस स्मार्ट वॉच पे जाना है, तो आपको सेम लोगो वापस क्लिक करना है वॉच में। तो सेम कोड आप जैसे ही लगाओगे तो जो लोगो है वो डिलीट हो जाएगा फॉसिल का, और वापस स्मार्ट वॉच लिख के आ जाएगा। तो गाइज आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।